आज की हम वीडियो में बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में और जानेंगे कि इनका विकास कब हुआ और ये कब से हमारी दुनिया में आए। आज के समय में हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन चुका है मोबाइल फ़ोन। बात कुछ ऐसी है कि हम बिना मोबाइल फ़ोन के एक पल भी नहीं रह सकते हैं। हमारे लगभग सभी कार्यों के लिए हम स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। ये मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 20 वर्ष पहले ही हमारी दुनिया में आए थे। मोबाइल फ़ोन का इतिहास काफ़ी रुचिपूर्ण है। सेल फोन या मोबाइल फ़ोन असल में इसलिए बनाया गया था ताकि इसे कोई भी व्यक्ति अपने साथ कार में ले जा सके, इसी कारण इसे कार फोन भी कहा जाता था। यदि हम पहले ज़माने के सेल फोन की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा यानी कि 1 फीट का था और 12 था और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सरदार जी ज्ञान को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको कौन सी वीडियो देखना पसंद है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए आपकी पसंद की वीडियो ला सकें। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला डायनेटिक 800 था और इसे सन 1983 में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत उस समय $4,000 थी और इसमें केवल 30 मिनट तक ही बात हो पाती थी। इसके आकार की बात करें तो ये 1 फीट का था और इतना बड़ा होने के बावजूद भी उस समय इसे सबसे ज़्यादा पोर्टेबल टेलीफोन माना जाता था। उस समय यह बहुत ही बड़ी बात थी कि कोई इंसान बिना किसी तार के यानी कि वायरलेस बात कर सकता था। मोबाइल फ़ोन बनने के 2 वर्ष बाद पहला कॉल किया गया था, वो भी यूके की धरती पर वोडाफोन के चेयरमैन फ्रांस हैरिसन जी को। उस समय इस मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने में लगभग 10 घंटे का समय लगता था। सन 1888 में मोटोरोला ने डायनाटेक के साथ दूसरे मॉडल भी लॉन्च किए जो कि थे माइक्रोटेक। माइक्रोटेक में फॉल डाउन कीबोर्ड कवर भी मौजूद था। सन 1992 तक मोबाइल फ़ोन को केवल बिजनेसमैन लोग ही इस्तेमाल करते थे, बाद में इसे आम लोग भी इस्तेमाल करने लगे। वहीं पर 1990 में नोकिया ने भी अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया। सन 1999 में नोकिया ने लॉन्च किया अपना नया मोबाइल फ़ोन जिसमें कि वेब का इस्तेमाल किया गया था। वहीं इसके 1 वर्ष बाद शार्प ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पहला कैमरा फ़ोन J504। ये उस समय केवल जापान में ही उपलब्ध था, लेकिन इससे लोगों का फ़ोन फोटोग्राफी के प्रति बहुत झुकाव हो गया था, जिसके कारण दूसरे शहरों में भी इसके प्रति रुझान बढ़ने लगा था। फिर सन 2002 में सोनी एरिसन T68 को रिलीज किया गया, जिसमें क्लिप ऑन कैमरा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे फ़ोटो खींचना आसान हो गया था। इसमें वेब, ट्राइबैंड, वीडियो कॉलिंग, GPS, नेविगेशन, कैमरा, रिंगटून, MP3 प्लेयर, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड, MMS फीचर आदि मौजूद थे। इसी तरह से जब समय बदलता गया तो नए नए फीचर के साथ नए नए मोबाइल फ़ोन मार्केट में आने लगे। मोबाइल फ़ोन के साइज़ की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर बड़ी डिस्प्ले वाले मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे अब मार्केट में बड़ी डिस्प्ले वाले मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, वो भी नए नए फीचर के साथ। अब हर रोज़ नए नए मोबाइल फ़ोन नए नए फीचर के साथ हमारी दुनिया में आ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज के समय में इंसान बिना मोबाइल फ़ोन के 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं ये भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपकी डिमांड के मुताबिक वीडियो ला सकें। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।